रोडवेज के बर्खास्त संविदा परिचालक धरने पर बैठे 16 परिचालकों को कुछ दिन पहले किया गया था बर्खास्त। बर्खास्त परिचालकों ने एआरएम पर लगाया पैसे मांगने का आरोप। परिचालक बोले, हमारी बहाली की जाए या फिर आरोप पत्र की आख्या हमें दी जाए। तिवारी, क्या है आप बस? जी सर, हम परिचालक है बांदा डिपो में, रोडवेज में 12-13 साल से नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे। किस समस्या को लेकर बैठे हैं अंचल पे? सर, ये हमारे साथ सहायक क्षेत्र प्रबंधक ने एक प्रकरण हमारा पुराना था, डब्ल्यू डी से बहुत पुराना, तो 10 साल पुराने जितने भी अधिकारी आए वो पास आए प्रकरण, और उसके बाद किसी ने कुछ नहीं किया। और ये लोग जो हमारे आरम साहब आए सहायक क्षेत्र प्रबंधक पालना में, उन्होंने पैसे की मांग की कि हमको 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये दो। हमने नहीं दिया तो पहले तो गाड़ी से हटाया, हमको दूसरे रूट पे लगाया। उसके बाद जब फिर भी पैसे नहीं दिए तो हमने 2-4 दिन मिसेज की तबीयत खराब रही, तो हम उनको अप्लीकेशन भी दे कि ऐसी समस्या है। अब उसके बाद आते ही उन्होंने हमारा रूट ऑफ कर दिया, और रूट ऑफ करते ही हम वहाँ उनको अप्लीकेशन दे रहे हैं। उन्होंने हमको अनुपस्थित दिखाते हुए हमारी संविदा समाप्त कर दी। न कोई जांच, न कोई हमको सूचना, न किसी चीज़ की जानकारी। मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं हमारे सहायक क्षेत्र प्रबंधक। अब पैसे की सबसे डिमांड कर रहे हैं, सबको ट्रस्ट है, पूरा डिपो ट्रस्ट है उनसे। हाँ, हर से 10-10-20 हज़ार रुपये उनको चाहिए, जो अगर रोड पे चलना है। कितने आदमी को बर्खास्त किया गया? कम से कम 16 लोग बर्खास्त कर दिए गए। अभी कितने लोग बैठे हैं? अभी यहाँ पे 7-10 लोग बैठे हैं, बाकी अभी धीरे धीरे वो भी आज जुड़ने वाले हैं हम लोगों। क्या मांग करते हैं आप? हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह हमको निकाला गया है उसी तरह हमको उसी तरीके से भर्ती किया जाए, नया नेता फिर हम बहाल किया जाए, और नहीं तो हमारे कागज़ दे दिए हैं जो हमारे उन्होंने दिए नहीं हमको, ना कोई जाँच के कागज़ दिए, ना हमारे निकालने के कागज़ दिए। किसी चीज़ की हमको जानकारी भी नहीं दी गई, और हमको सबको बाहर कर दिया बिना जाँच के, ना बिना किसी सूचना के। तो हम ये चाहते हैं कि हमें वापस से तो दिया जाए, नहीं हमारे कागज़ दिए जाए, जिसको हम लेकर के आगे कार्रवाई करें। अच्छा, ये बताइए, आप बैठे हैं, अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो कब तक बैठे रहेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम कार्य दिशी धरना करेंगे 10 से 5।